गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज नई सुबह के साथ मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं फटाफट से, क्योंकि मुझे आज ड्यूटी निकलना है, तो मैं ये आलू वाली सैंडविच बनाती हूँ। तो ये मैंने मिला दिया है आलू में हल्दी, बेसिक से जो घर के मसाले हैं वही मिलाऊंगी मैं, नमक वगैरह, नमक और धनिया पाउडर। देन मैं फटाफट से आज आलू वाली सैंडविच बना के मुझे निकलना है। बस अब फिर इन सबको मिला देंगे मिक्स मिक्स मिक्स। अब मैं जल्दी से, अभी मैंने नमक टेस्ट किया है, मैं फटाफट हैंड वॉश करके आती हूँ और अब इनको मैं भरूँगी ब्रेड के अंदर। देखिए काम बहुत फुर्ती से करना पड़ता है। और अब देखिए मैं कैसे बनाती हूँ सैंडविच। और ये मैंने ऑयल, हाँ पहले मैं थोड़ा आलू को पका लूँगी। ये मैंने हल्का ऑयल डाल के और सरसों डाल के मैंने इसको पहले थोड़ा रोस्ट कर लिया है, यानी आलू को थोड़ा भुनाई की है मैंने इनकी, क्योंकि फिर कच्चापन नहीं लगता ब्रेड के अंदर भरने से। मैं ले लूँगी थोड़ा सा घी और मैं घी में थोड़ा ब्रेड के लिए लिया है मैंने, थोड़ा ब्रेड घी में थोड़ा रोस्ट हो जाएंगे ताकि सूखे सूखे ना लगे। ये देखिए आप मेरे इसमें, एक्चुअली मैं यहाँ आ गई हूँ अपने सेंटर की तरफ, मिलती हूँ इवनिंग में आपसे। आज दिखाएंगे हम, आज हम क्या कर ले। ये सीधी है, आज सीधी ब्लॉग स्टार्ट करेगी। ब्लॉग स्टार्ट सुबह हो चुका है पर अब हम इवनिंग का शूट करेंगे। बाबा दिखा रही, अच्छा बाबा दिखा रही, हाँ गणपति बाबा, लो बोलो बाबा बाबा, जय जय कर दो, ताली बजाओ ताली बजाओ, भजन करो बाबा। जल्दी आ। सब्जी, बैंगन, न्यूट्रिला, आलू, प्याज और टमाटर एंड मिर्च, ये हमने काट दी है। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो मैं ले चुकी हूँ कढ़ाई में ऑयल सरसों का, देन उसमें जीरा हींग डाल के मैंने ये डाल दिया, कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ, मैं चॉपर से चॉप कर दिया था। और प्याज की थोड़ा भुनाई करेंगे, उसके बाद टमाटर और उसमें हरा मिर्च कटा हुआ, देन फिर बेसिक से मसाले, वही नमक, हल्दी और घर का पिसा हुआ धनिया, एक्चुअली धनिया पाउडर भाभी ने घर पर पीसा था, जिसको बहुत अच्छा और मतलब स्मेल बहुत अच्छी आती, और थोड़ा सा कस्तूरी लाल मिर्च डाली है हमने मसाले के, अच्छे से भुनाई करते हैं। और जैसा कि आपने देखा मैंने मैगी मसाले भी डाला है, जिससे टेस्ट बहुत ही गजब का आता है दोस्तों, आप लोग ट्राई करना, क्योंकि बैंगन इतना पसंद नहीं करता कोई बच्ची भी, तो हमने मैगी मसाले में स्वाद ही अलग हो जाता है। ये मैंने इसमें बैंगन भी डाला। ये दोस्तों हमारी ये मिक्स वेज बन के हो गई है रेडी। मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला, थोड़ा सब्जी पक जाएगी, बैंगन आलू वगैरह, फिर देखिए आप कलर कैसे। देखिए मेरी सब्जी का फाइनल लुक और बहुत ही खुशबू आ रही थी। इधर सिद्धि भी मस्ती कर रही है। मैंने बनाने कैसे बताऊँ कैसा है।
अच्छा ला रहा है। चल दीदी बताओ कैसे, मैंने कि मैंने बना रखा था, मुझे अच्छा लग रहा है, वाकई में बहुत अच्छा ले बेटा, अच्छी बन रही थी सब्जी बेटा, ज्यादा मिर्च नहीं ले रही थी ले। खा ले आई सी, तो उसने भी अपना थम्स अप दे दिया है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।